ये हमारी 4000 GS मशीन है। इस मशीन पे हम आउटडोर इंडोर दोनों के लिए प्रिंटिंग कर सकते हैं। आउटडोर प्रिंटिंग के लिए 8000 मॉडल है। अगर हम इस मशीन की स्पीड की बात करते हैं तो 4000 स्क्वायर फीट पर आवर स्पीड है इस मशीन की। ये हमारा DTF प्रिंटर है जिसमें XP600 का हेड लगा हुआ है। इस मशीन की एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी हार्ड सरफेस पर कुछ भी डिज़ाइन प्रिंट करके हम उस पर पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा इको सॉल्वेंट प्रिंटर है। इस मशीन पर विनाइल, फ्लैक्स, वन वे विजन, ट्रांसलाइट, लेदराइट, रेक्सिन, फैब्रिक, बैकलाइट फैब्रिक, ये सब मीडिया यूज़ कर सकते हैं जो इनशॉप ब्रांडिंग में मोस्टली यूज़ हो। ये हमारा UV रोल टू रोल मशीन है। अगर हम इस मशीन की एप्लीकेशंस की बात करते हैं, ट्रांसलाइट का मेनली यूज़ होता है। इसके अलावा इनशॉप ब्रांडिंग में हम कोई भी मीडिया है हम सब इस पर प्रिंट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाई। आज हम आए हैं एक ऐसी कंपनी के पास जो कि इंडोर आउटडोर शोर एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं, और इनसे पता करेंगे किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं और अपने बिजनेस को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर ना करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और सर से बात करते हैं, इनसे पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। हेलो सर। सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माई सेल्फ अफजाल खान। हम लोग साइनेज इंडस्ट्री के टोटल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे सॉल्वेंट मशीन, इको सॉल्वेंट, लेजर, राउटर, कटिंग प्लॉटर, यूवी रोल टू रोल एंड फ्लैट बेड प्रिंटिंग मशीन्स। इसके अलावा हम लोग सॉल्वेंट और इको सॉल्वेंट मशीन्स के लिए इंक भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो कैलरॉन चेनबैंग के नाम से है। तो सर, जो ये इस एक्सपो में आप मशीनरी लेके आए हैं उसके बारे में पता कर लेते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग के बारे में। ये हमारी 4000 GS मशीन है। इस मशीन पर हम आउटडोर इंडोर दोनों की प्रिंट दोनों के लिए प्रिंटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्लैक्स, अभी फ्लैक्स का रोल लगा हुआ है, इस पर हम लोग आउटडोर के लिए जितने भी मीडिया आते हैं रोल शेप में सबको प्रिंट कर सकते हैं, जैसे फ्लैक्स, विनाइल, वन वे विजन, ट्रांसलाइट एंड फैब्रिक, बैकलाइट एंड फ्रंटलाइट। तो सर, इसकी लेंथ की बात कर रहे हैं तो कितनी लेंथ होगी इसकी? ये मशीन फुल लेंथ मशीन है, 10.5 फुट प्रिंटिंग एरिया की मशीन है। तो इसमें कस्टमाइजेशन भी हो जाती है? जी मैम। तो मिनिमम साइज टू मैक्सिमम कितना होता है इसमें? हम 2 फीट, 1 फीट से लेके और 10.5 फीट तक का कोई भी प्रिंट कर सकते हैं। लेंथ में कितना ही भी हो सकता है वो। 50 मीटर तक हम लोग लेंथ कर सकते हैं, विड्थ हमारी 10.5 फीट है। सर, इसकी फंक्शनिंग के बारे में बता करें कि स्टार्टिंग टू एंड तक कैसे प्रोसीजर होता है? अगर हम इस मशीन के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये इसका मैक्सिमम जो यूज है वो आउटडोर एडवर्टाइजिंग के लिए होता है, और इसका कुछ जो यूज है इसका इंडोर ब्रांडिंग में भी कर लेते हैं, जैसे विनाइल और बैकलाइट फैब्रिक। इसके अलावा हम लोग व्हीकल रैपिंग में भी विनाइल प्रिंट कर सकते हैं इसे। अगर हम इस प्रिंटर की बात करते हैं तो ये 4 कलर प्रिंटर है, बेसिकली CMY के कलर पे चलता है ये। इससे आप कोई भी डिजाइन आप प्रिंट कर सकते हैं। तो सर, बैनर बनाने में कितना टाइम पीरियड लगता है? अगर हम इस मशीन की स्पीड की बात करते हैं तो इस मशीन की स्पीड 1 घंटे में 1100 स्क्वायर फीट 4 हेड के साथ में, और ये मशीन अपग्रेडेबल भी है। इसको इन फ्यूचर आप चाहें तो आप 8 हेड पे भी अपग्रेड कर सकते हैं। अगर हम इसमें 8 हेड की स्पीड की बात करते हैं तो 2600 स्क्वायर फीट स्पीड आती है 1 घंटे में। तो सर, ये फुली ऑटोमेटिक है या? ये फुली ऑटोमेटिक मशीन है। अगर हम इस मशीन के फीचर्स की बात करते हैं तो इस मशीन के अंदर सीको का 508-12 PL का हेड लगा हुआ है जो कि इंडस्ट्री का इस टाइम का सबसे लेटेस्ट हेड है। और अगर हम मशीन के मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो मशीन के अंदर मोटर, ड्राइव, जो भी मेन पार्ट्स हैं वो पैनासोनिक के लगे हुए हैं। अगर हम बेड की भी बात करते हैं तो एल्यूमिनियम एलॉय का हमारा बेड है। और अगर हम इसके मशीन के ड्राइंग सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे इस मशीन के अंदर IR हीटर यूज़ किए गए हैं, जिससे अगर ज़्यादा स्पीड में हम प्रिंट करते हैं तो रोल करने में आसानी रहती है, रोल चिपकता नहीं है आपस में। बेसिकली ड्राइंग सिस्टम की बात करते हैं तो इस मशीन के अंदर बैक, सेंटर और फ्रंट तीनों हीटर बेड के अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा एडिशनल आपको IR हीटर दिए हुए हैं, जिससे किसी मशीन के लिए ड्राइंग सिस्टम
मेन चीज होती है। अगर हम सॉल्वेंटिंग में जाएंगे तो ड्राइंग सिस्टम का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है, जो इसमें बहुत अपडेटेड ड्राइंग सिस्टम है। तो सर इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करें तो अगर हम मशीन के बाकी चीजों की बात करते हैं, जैसे कि इसका क्वालिटी वाइज, तो हम लोग हमारी मशीन क्रिस्टल जेट के नाम से है। ये क्रिस्टल जेट चाइना का, अगर हम बात करते हैं तो चाइना का नंबर वन ब्रांड है चाइनीज सॉल्वेंट इंडस्ट्री में। उसी के साथ हमारा पार्टनरशिप है और वहीं से हम ये मशीन इंपोर्ट करके यहाँ पर सेल, सर्विस और कंज्यूमेबल्स में डील कर रहे हैं। सर इसमें जो प्रिंट निकलता है उसकी रनिंग एफिशिएंसी की बात करें, अगर मशीन की स्पीड की बात करते हैं तो एक घंटे में 1300 स्क्वायर फीट स्पीड है 4 हेड पर। अगर हम इसको 8 हेड पे चलाते हैं, ये अपग्रेडेबल भी है, तो 8 हेड पे इसमें 2600 स्क्वायर फीट स्पीड है। तो सर अगर कोई इस मशीनरी को इंस्टॉल कराना चाहता है तो इसमें स्पेस कितना चाहिए होगा? अगर हम मशीन को रन करने के लिए स्पेस की बात करते हैं तो इस मशीन को 20x12 का हॉल सफिशियंट है। और इसके अलावा भी कोई और मशीनरी है? इस मशीन के लिए अगर हमें रन करने के लिए हमें और क्या क्या चाहिए होता है वो भी मैं बता देता हूँ। इसके लिए UPS मैंडेटरी है, अर्थिंग कराना मैंडेटरी है, इसके अलावा एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होगा, देन आप ऑपरेट कर सकते हैं। और मैनुअली अगर वर्कर की नीड हो तो? इसके लिए देखिएगा, जो भी एज ए ऑपरेटर हम बात करते हैं तो इसको ऑपरेट करने के लिए जो भी बंदा कंप्यूटर चलाना जानता है सिंपली, वो इसको ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा कुछ भी समझ नहीं आता तो हमारा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए रहता है, और हमारा इंजीनियर जब इंस्टॉल करेगा तो प्रॉपर ट्रेनिंग देता है उसके चलाने के लिए। आप इसको कैसे चलाना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो सर अगर आपकी मशीनरी के प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस? अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने स्पेशल ऑफर चलाया हुआ है, 11.5 लाख रुपए प्लस GST में हम 4 हेड के साथ में मशीन दे रहे हैं। एक्सपो में ही है जो ये साइन इंडिया के लिए स्पेशल ऑफर है। और सर अगर कोई इस मशीनरी को चाहता है तो आप कहाँ तक वो प्रोवाइड करा सकते हैं मशीनरी को? ये हम ऑल ओवर इंडिया में डील करते हैं इस मशीन के। यहाँ पर हम लोग दिल्ली से नियर बाई 5-6 स्टेट्स में हम यहीं से ही दिल्ली से ही डील करते हैं। इसके अलावा हमारा साउथ में भी डीलर है, वेस्ट में भी डीलर है और ईस्ट में भी हमारा। कह सकते हैं कि आप पैन इंडिया वर्क करते हैं? पैन इंडिया वर्क करते हैं हम लोग, पैन इंडिया हमारी मशीनें लगी हुई हैं ऑलरेडी। तो इसके अलावा भी और मशीनरी है हमारे पास में, और काफी सारी मशीन है। आउटडोर प्रिंटिंग के लिए 8000 मॉडल है। अगर हम इस मशीन की स्पीड की बात करते हैं तो 4000 स्क्वायर फीट पर आवर स्पीड है इस मशीन की। ये हमारा आउटडोर के लिए टॉप मॉडल है। तो सर इस मशीनरी में भी कस्टमाइजेशन हो जाती है? जी जी, आपका कोई भी स्पेसिफिक डिजाइन है आप इसको इस पे प्रिंट कर सकते हैं। अगर इस मशीन पर हम मीडिया की बात करते हैं तो फ्लैक्स, विनाइल, वन वे विजन, ट्रांसलाइट, बैकलाइट, जो भी सॉल्वेंट के रोल शेप में मीडिया आते हैं सॉल्वेंट प्रिंटिंग के लिए, सारे मीडिया इस पर प्रिंट कर सकते हैं। तो सर इसमें मोटर भी लगी होगी? इस मशीन के अंदर अगर जो मैकेनिज्म की बात करते हैं हम, तो मोटर और ड्राइव पैनासोनिक के लगे हुए हैं जो जैपनीज। अगर हम इस मशीन के असेंबलिंग की बात करते हैं तो चाइना में असेंबल की हुई है। अगर हम इस मशीन के पार्ट्स की बात करते हैं तो इस मशीन के अंदर मोटर, ड्राइव और जो मेन पार्ट्स हैं वो जैपनीज लगे हुए हैं। अगर हम खासतौर से इसके हेड की बात करते हैं तो सीको अल्फा का हेड लगा हुआ है इस मशीन में, जो कि 25 पिको लीटर का है। अगर हम क्वालिटी वाइज देखें तो आउटडोर के हिसाब से बहुत अच्छा हेड है, और अगर आप स्पीड और क्वालिटी का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो इस टाइम इंडस्ट्री की सबसे अच्छी मशीन है। सर अगर कोई इंस्टॉल कराना चाहता है तो इसका स्पेस कितना होना चाहिए? अगर इस मशीन के स्पेस की हम बात करते हैं तो 20x15 का कम से कम स्पेस होना चाहिए। ऐसे अगर कंफर्टेबली आप 25x15 का स्पेस होना चाहिए। तो आप सर सॉल्यूशन किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं? हम लोग ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया हम लोग काम करते हैं। पैन इंडिया हमारे या तो लोकली इंजीनियर अवेलेबल है, और हम लोग के डीलर भी बने हुए हैं जगह जगह पर। हम लोग कहीं पर भी, जहां पर भी मशीन चाहिए होगी, हमारा मशीन का सेल, हार्डवेयर भी हम लोग देते हैं, इंक भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और सर्विस भी हम लोग प्रोवाइड। तो अगर जैसे सबको प्रॉब्लम आती है मशीनरी में तो कितने टाइम पीरियड में? 24 आवर में हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। और अगर कोई मशीनरी चाहता है तो उसको कितने टाइम पीरियड में डिलीवर कर देते हैं? अगर हम कोई मशीन हमारे साथ अभी बुक कराता है तो हम लोग विद इन ए वीक हम डिलीवरी कर सकते हैं आज की डेट में। Okay. इसके अलावा कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है कि भाई अगर मशीन स्टॉक में नहीं भी है तो मैक्सिमम हमें टाइम 1 महीने का चाहिए होता है, 1 महीने के अंदर हम 100% दे देते हैं।
तो क्लाइंट के अकॉर्डिंगली भी कस्टमाइजेशन हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर इसकी प्राइस की बात करें तो क्या प्राइस होगा इस मशीन को? मैक्सिमम 6 हेड पे हम कर सकते हैं। अगर इसका 6 हेड का स्पेशल यहाँ के लिए जो रेट हमने कोट कर रहे हैं वो 22 लाख रुपए प्लस GST है। ये हमारा DTF प्रिंटर है जिसमें XP600 का हेड लगा हुआ है। इस मशीन की एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी हार्ड सरफेस पर कुछ भी डिजाइन प्रिंट करके हम उस पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रिंट हो रहा है फिल्म पर, अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये हमारा प्रिंट है, इसमें से ही कट किया हुआ है स्टिकर। ये हमने इसमें से फिल्म पर से इसको अलग किया और इसको हम डायरेक्टली किसी भी हार्ड सरफेस पर हम पेस्ट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक है किसी पर या कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट? वुडन, मेटल और आपका एक्रेलिक हो गया, आपका जैसे फोन कवर्स हैं, लैपटॉप कवर्स हैं, या कोई भी हार्ड सरफेस होना चाहिए। सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन है, सिर्फ हार्ड सरफेस हो उस पर आप इसको डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये काफी सारे इस पर स्टिकर पेस्ट किए गए हैं। ये हमारा स्टिकर है, इसको हम अगर जो इसको किस तरह से पेस्ट करना है वो देख सकते हैं। इसको हम जस्ट पेपर रख के इस तरह से पेस्ट करना है सिंपली, और ये हमारा प्रिंट तैयार हो गया। ये हमारी मेनली एप्लीकेशन। इसी तरह किसी भी हार्ड सरफेस पर आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है आप मुझे बताएंगे, किस तरीके से वर्क करती है मशीन? अगर इस मशीन के हम वर्क करने की बात करते हैं तो इसमें A+B रोल लगता है। ए रोल हमारा गमिंग शीट होती है और बी में हमारा लेमिनेशन होता है। तो ये जब हम प्रिंट करते हैं तो ये जो इंक है इसकी ये गमिंग शीट पर ट्रांसफर हो जाती है और उसको हम डायरेक्टली किसी भी हार्ड सरफेस पर वापस ट्रांसफर। तो सर स्टिकर्स की ये ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो? अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो ये इन शॉप का मैक्सिमम यूज रहता है, ये लाइफ लॉन्ग है, ये कभी खराब नहीं होता और ये वॉशेबल भी है। तो इसको बनने के लिए कौन सा मटेरियल का यूज किया जाता है इसमें? मैम मेन तो इंक है, CMYK+ वाइट इंक है और वार्निश है। और अगर हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो मग, बोटल्स, मोबाइल कवर, लैपटॉप कवर और किसी भी ट्रॉफीज, मोमेंटोस, किसी भी हार्ड सरफेस पे जो टेबल टॉप के बहुत सारे हमारे आइटम्स होते हैं उन पर आप प्रेस करके उसमें। तो कितना टाइम पीरियड लगता है इसको कंप्लीट होने में? अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं तो 10 स्क्वायर फीट पर आवर स्पीड है इस मशीन की। तो अगर कोई इंस्टॉल कराना चाहेगा तो कितना स्पेस चाहिए होगा इसके लिए? इसको 10x10 का अगर केबिन है तो आराम से 10x10 के रूम में आप आराम से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और सर प्राइसिंग की बात करें तो? इस मशीन की अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो अभी यहाँ पर 4.25 लाख रुपए प्लस GST, 4.25 लाख प्लस GST में हम लोग यहाँ मशीन दे रहे हैं। तो सर इसमें मोटर जो लगी होती है वो कितने? इस मशीन के अंदर भी सारे जैपनीज पार्ट यूज किए गए। अगर हम हेड की बात करते हैं तो इस्टन का XP600 हेड यूज किया गया है जो बहुत फाइन क्वालिटी की प्रिंटिंग। और इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज होती होगी इसमें? बहुत माइनर से 800 वाट यूज होती है, बहुत माइनर से, सिंगल फेज मशीन है। इसमें रनिंग कॉस्ट कितनी आती है? अगर हम इस मशीन की रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो 30 से 40 रुपए स्क्वायर फीट रनिंग कॉस्ट रहती है हमारी। ये हमारा इको सॉल्वेंट प्रिंटर है। इस मशीन के अंदर इप्सन DX5 का हेड यूज किया गया है। अगर हम इस मशीन के एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो इस मशीन पे विनाइल, फ्लैक्स, वन वे विजन, ट्रांसलाइट, लेदराइट, रेक्सिन फैब्रिक, बैकलाइट फैब्रिक, ये सब मीडिया यूज कर सकते हैं जो इन शॉप ब्रांडिंग में मोस्टली यूज होता है। तो सर इसमें भी कस्टमाइजेशन हो जाती है? यस मैम। तो मिनिमम साइज कितना होता है? मिनिमम साइज 1 फीट से लेके और 7 फीट तक इस मशीन पर प्रिंट कर सकते हैं। तो सर प्रिंट होने में कितना टाइम पीरियड लगता है इसमें? इस मशीन की अगर हम स्पीड की बात करते हैं, अगर हमारा 5 फीट का मीडिया लगा रखा है हमने तो 250 स्क्वायर फीट पर आवर स्पीड। इसको बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज किया गया है? अगर इस मशीन के हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इस मशीन के अंदर पैनासोनिक मोटर, पैनासोनिक का ड्राइव, आईगस जर्मनी कंपनी का डेटा केबल चैन, लीनियर गार्ड, स्लाइडर, जो भी मेन पार्ट्स है इसके सारे जैपनीज हैं और इसको असेंबल चाइना में किया गया है। और अगर इस मशीन के हम हेड की बात करते हैं खासतौर से तो इस मशीन में इप्सन का I3200 हेड यूज किया गया है जो बहुत लेटेस्ट है और बहुत जिसकी कलर प्रोफाइलिंग और क्वालिटी बहुत अच्छी है।
तो सर ये फुली ऑटोमेटिक है या? जी फुली ऑटोमेटिक मशीन है। तो रनिंग कॉस्ट कितनी आती है सर इसमें? इस मशीन पे अगर हम रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो 3 रुपए स्क्वायर फीट प्रिंटिंग कॉस्ट है, अगर खाली हम इंक कॉस्ट की बात करते हैं तो 1.5 रुपए स्क्वायर फीट है, अगर हम बल्किंग की कॉस्ट की बात करते हैं पर लीटर की तो 1200 रुपए लीटर इसकी इंक है। इसमें CMYK के 4 कलर की इंक चलती है, तो चारों कलर का जो रेट है हमारा 1200 रुपए लीटर है। तो इंक आपके इन हाउस ही मिल जाती है? जी इसकी हम हार्डवेयर हम देते हैं प्लस सर्विस हम देते हैं और इंक भी हम देते हैं, इसके कंज्यूमेबल्स भी सब हम देते हैं। तो सर इस मशीनरी के प्राइस की बात करें? इस मशीन की अगर कॉस्ट की बात करते हैं तो 7 लाख रुपए प्लस GST है डुअल हेड के साथ में, तो सिंगल हेड पे भी ले सकते हैं। ये ऑफर साइन इंडिया में है? जी साइन इंडिया के लिए स्पेशली ऑफर है ये। ये हमारा UV रोल टू रोल मशीन है। अगर हम इस मशीन की एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ट्रांसलाइट का मेनली यूज होता है, इसके अलावा इन शॉप ब्रांडिंग में हम कोई भी मीडिया है हम सब इस पे प्रिंट कर सकते हैं। सर ये शीट कौन सी है? ये ट्रांसलाइट शीट है, इसको हम बैकलाइट भी कह सकते हैं। तो इस शीट बेसिकली इसका ग्लो साइन बोर्ड बनता है, जैसे कि आप काफी सारे मॉल शोरूम्स में देख सकते हैं जिसमें ग्लो पीछे से लाइट जल रही होती है और साइन ग्लो कर रहा होता है, तो ग्लो साइन बोर्ड कहते हैं बेसिकली इसको, ग्लो साइन बोर्ड के लिए। सर कितना टाइम पीरियड लगता है इसको बनने में? अगर हम इस मशीन की स्पीड की बात करते हैं तो अगर हम जैसे ट्रांसलाइट बैकलाइट हम पेंट कर रहे हैं तो इस पर तकरीबन 150 स्क्वायर फीट स्पीड आती है डुअल हेड मशीन पर। सर किस तरीके से वर्क करता है ये मशीन? अगर हम वर्क करने की बात करते हैं यूवी मशीन है, बेसिकली यूवी टेक्नोलॉजी की मशीन है, यूवी रोल टू रोल यूवी लैंप्स के थ्रू इंक को सुखाने के लिए, इंक को ड्राई करने के लिए होता है ये यूवी इंक्स होती है। अंदर अगर जो हम इंक की बात करते हैं तो 4 कलर CMYK के प्लस वाइट इंक का यूज किया जा रहा है इस प्रिंटिंग के लिए। तो अगर कोई इंस्टॉल कराना चाहता है तो कितना स्पेस चाहिए होगा इस मशीन का? अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो 15x12 फीट का कम से कम इसका रूम होना चाहिए। सर इसमें रनिंग कॉस्ट कितनी आती है? अगर हम इस मशीन की रनिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो 6 से 7 रुपए पर स्क्वायर फीट प्रिंटिंग कॉस्ट आती है इस मशीन पर। अगर हम इस मशीन की इंक कॉस्ट की बात करते हैं तो 4500 रुपए लीटर इंक कॉस्ट है इस मशीन। तो सर ये भी ऑटोमेटिक है? जी फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। तो इसमें स्किल पर वर्कर की जरूरत है इसमें? जी विदाउट अगर अनस्किल होगा कोई तो नहीं? मैम बेसिक कंप्यूटर जानना चाहिए सिर्फ, उसके अलावा कोई ज्यादा स्किल नहीं है। जो आप बेसिक कंप्यूटर जानता होगा उसको हमारा इंजीनियर ट्रेनिंग देगा तो ये आराम से इजीली चला सकता है, इसको ऑपरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो सर कितना एरिया चाहिए होगा इसको इंस्टॉल कराना चाहता है तो? कोई 15x12 का हॉल है तो इनफ रहेगा। प्राइस आपने बता ही दिए हैं? प्राइस का 13 लाख रुपए प्लस GST है यहाँ पर। ये हम लोग सॉल्वेंट और इको सॉल्वेंट इंक के मैन्युफैक्चरर भी हैं साथ में, जो हमारे फैक्ट्री कैलरॉन चेनबैंग के नाम से हमारी कंपनी, ये जो वर्ल्ड का नंबर वन अगर हम देखते हैं तो चाइना की वर्ल्ड नंबर वन कंपनी है चेनबैंग, उसी के साथ हमने टाई अप करके यहाँ पर अभी हमने फैक्ट्री मानेसर में लगाई है गुड़गांव, और इसमें हम सॉल्वेंट और इको सॉल्वेंट इंक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्री की द बेस्ट इंक में से एक है। तो सर आप मशीनरी ही प्रोवाइड कराते हैं या अगर किसी को इंक चाहिए होगी तो वो भी प्रोवाइड? हम लोग मशीनरी के साथ साथ हम लोग इंक में भी डील करते हैं, पहले हम लोग इंक इंपोर्ट करते थे, अभी हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं जो कि कैलरॉन चेनबैंग के नाम से यहाँ पर रहेगी। तो सर अगर किसी ने मशीनरी आपसे ली है और उसके बाद कहाँ तक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं हम लोग? अगर हमसे कोई मशीन जैसे परचेज करता है तो हम लोग उसको इंक भी देते हैं, हम लोग उसको सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग बेसिकली मशीन का हार्डवेयर सर्विस और इंक कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग देते हैं, और साइनेज इंडस्ट्री का हमारे पास में कंप्लीट रेंज है आज के टाइम में, सॉल्वेंट इको सॉल्वेंट मशीन्स लेजर राउटर यूवी प्रिंटिंग मशीन यूवी फ्लैट बेड मशीन्स, और साथ साथ अब इंक अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, पहले इंक हम पहले से ही इंक में डील करते हैं बट इंक अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो गई है। सर अगर किसी को इस मशीनरी की नीड होगी तो आपसे किस तरीके से कनेक्ट होगा?
आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी कैलरॉन ग्राफिक्स की जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा नंबर मैं बता देता हूँ, मेरा नंबर 9971510251 है, अफजाल खान के नाम से इसको सेव भी कर सकते हैं और कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। आप मशीन, नई मशीन खरीदने के लिए, सर्विस के लिए या इंक के लिए भी आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सर आप विजिटिंग कार्ड भी दिखा सकते हैं? ये मेरा अपना विजिटिंग कार्ड है, ये देखिए सर ने अपना विजिटिंग कार्ड दिखा दिया है। अगर आप इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह की मशीनरी की नीड है, ये आउटडोर इंडोर एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। सर अगर कोई आपसे मशीनरी चाहेगा तो आपसे ये भी जानना चाहेगा कि आपकी कंपनी का मार्केट फीचर क्या है? अगर हमारी कंपनी की बात करते हैं तो हमारी कंपनी अगर इंडस्ट्री की द बेस्ट कंपनीज में से एक है जो आउटडोर इंडोर साइनेज इंडस्ट्री का सॉल्यूशन देती है। अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो हमारा आज के टाइम में अगर इंडस्ट्री में आप किसी भी एरिया में जाएंगे इंडिया के, तो सब जगह हमारे इंस्टॉलेशंस बहुत अच्छे खासे नंबर्स में लगे हुए हैं। अभी तक आपने जो इंस्टॉल कर रखी है मशीनरी, हाँ, तो क्लाइंट का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है मैम हमारा। बेसिकली हम बहुत इस इंडस्ट्री में बहुत पुराने हैं, हम लोग 2003 से इन मशीन्स में डील कर रहे हैं, तो हमारे आज के टाइम में अगर देखा जाए तो 10,000 प्लस एक्टिव कस्टमर्स हैं जो लोग जो हमारे मशीन रन कर रहे हैं। ये हमारा ऑटोमेटिक लेमिनेशन मशीन है, इस मशीन पर आप सिंपली कोई भी रोल लेमिनेट कर सकते हैं। इसमें ऐसे बात करते हैं तो स्पीड की बात करते हैं कि 5 मिनट में 50 मीटर का कंप्लीट रोल प्रिंट लेमिनेट कर सकते हैं। 1 फीट से लेके और 5 फीट तक का जो मैक्सिमम हमारा रोल आता है लेमिनेशन के लिए, वो सब आप इस पर लेमिनेट कर सकते हैं। तो सर अगर इसकी प्राइस की बात करें तो? अगर हम इस मशीन की प्राइस की बात करते हैं तो 1,40,000 रुपये प्लस GST है यहाँ पर। और इस मशीन की देखिएगा, नॉर्मली मशीन सब जो बेच रहे हैं लोग, उससे हमारा जो मशीन अलग है, इसमें पीछे कटर भी दिए हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो आप, अगर हमने कोई 4 फाइल एक साथ प्रिंट की हुई है तो हम इसको सेपरेट करने के लिए लेमिनेट एंड कट का ऑप्शन भी है इसमें, आप इसको साथ साथ कटिंग भी कर सकते हैं। तो सर ये मैनुअली है या ये ऑटोमेटिक लेमिनेशन मशीन है? ओके, तो इसमें कटिंग भी साथ में हो रही है? कटिंग भी कर सकते हैं साथ में। दूसरी इसका बेनिफिट ये है मैनुअल लेमिनेशन के, अगर हम कंपैरिजन करते हैं मैनुअल लेमिनेशन से, तो एक तो स्पीड बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज ये हॉट एंड कोल्ड है। जो हमारी मैनुअल लेमिनेशन होती मशीन होती है, तो उसमें जब हम हमारी लेमिनेशन विनाइल को हम लेमिनेट करते हैं तो उसमें गमिंग के ग्रेन्स रह जाते हैं माइनर से, जो कि हॉट प्रोसेस होने के वजह से इसमें वो ग्रेन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, शार्पनेस ज़्यादा आती है मैनुअल लेमिनेशन के मुकाबले ऑटोमेटिक लेमिनेशन मशीन पर। तो सर कितना टाइम पीरियड लगता है इसको लेमिनेट में और कटिंग में? अगर हम इसकी स्पीड की बात करते हैं तो 5 मिनट में 50 मीटर का रोल इस पर कम्प्लीट लेमिनेट हो जाता है, तैयार हो जाता है। ओके, तो एट द लास्ट आप अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमारा प्रोडक्ट एक बार देखिएगा, यूज़ कीजिएगा, इंडस्ट्री का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास में। और अगर साइनेज सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हम लोग कंप्लीट साइनेज सॉल्यूशंस देते हैं, हमारे पास में साइनेज इंडस्ट्री की कंप्लीट रेंज है। आप जो भी प्रोडक्ट चाहिए हो, सॉल्वेंट मशीन, इको सॉल्वेंट मशीन, लेज़र, राउटर, कटिंग प्लॉटर, इंक, एवरीथिंग इज इंडेक्स पे हम अवेलेबल है। थैंक यू सर अपना अवेलेबल टाइम देने के लिए। थैंक यू।